बड़ी अहम है व्हेन वी वर्क इन ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन। एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपने एक और ह्यूमैनिटेरियन स्टैंडर्ड्स हैं, कमिटमेंट्स हैं, नाइन कमिटमेंट्स, ये है। दूसरा एक सिंडाई फ्रेमवर्क। मैं चाह रहा था, आई एम श्योर कि मैंने आपके उसमें देखा है कि उस पर बात हुई है, मैं चाह रहा था कि कोई ना कोई आप से बात करते कि यार ये इन चीज़ों के बारे में भी हमने लर्न किया, जो उसकी फोर प्रायोरिटी एरियाज हैं मेन, जिसकी पूरी दुनिया जो है उसके सिग्नेटरीज होती है, हमारा मुल्क भी उसका सिग्नेटरी है और हम भी उसमें पार्ट थे किसी ना किसी शक्ल में। वी वर पार्ट ऑफ थ्रू आवर कन्फेडरेशन कैरिटास और थ्रू जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, इन्होंने जो प्रोसेस स्टार्ट किया था अपनी चीज़ें भेजी, जो आप लोग कहीं ना कहीं पर वी वर पार्ट ऑफ दैट। तो मैं चाह रहा था कि उस पर जरूर आप लोग जब बात करते हैं, आई एम श्योर दैट माइट हैव बीन डिस्कस्ड वेरी डिटेल में हुआ होगा और आप लोगों ने उस पर बातचीत की होगी। और तीसरा जो है आप लोगों ने बात की SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और चौथा जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है कारिटास पाकिस्तान, या मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कन्फेडरेशन, और जो इंटरनेशनल कन्फेडरेशन है उसके भी कुछ जो पाँच प्रियोरिटी एरिया हैं, स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी एरिया है, जिसमें से एक बड़ा अहम है वो इमरजेंसी जो रिस्पांस कैपेसिटी इन्हेंसमेंट है उसके हवाले से, और जो रिस्पांस जो आपका अंडरस्टैंडिंग है उसके हवाले से, जिसमें रिस्क रिडक्शन है, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टू फेस रखती है, एक है ह्यूमैनिटेरियन और दूसरा है डेवलपमेंटल। अब जब ह्यूमैनिटेरियन की ब्रॉडर स्ट्रक्चर में बात करते हैं तो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं उसमें छुपा हुआ आपको नजर आता है। और DRR की जब आप मेन स्ट्रीमिंग की बात करते हैं तो मैं चाह रहा था कि जरूर बात करते हैं, एंड दैट इज गुड कि दिस लेडी शी स्टूड अप एंड शी सेड कि जी नॉन फॉर्मल एजुकेशन में हम बहुत कुछ इसके बारे में कर सकते हैं। ना सिर्फ नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, एजुकेशन है, हेल्थ है, वॉश है, और फिर कोरोना ने इस बड़े चैलेंज में हम सबको बहुत कुछ सिखाया। कोरोना ने ये जो मेन स्ट्रीमिंग का अमल है, कोरोना ने हमें दे दिया प्रैक्टिकली कि वी नीड टू लर्न इट। एवरी टाइम ये मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइज करना, अच्छा पानी पीना, लोगों का ख्याल करना, जब हॉस्पिटल में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, बिकॉज अगर बाकी 20 लोग जो है वो ठीक है एंड इफ आई एम इन्फेक्टेड और मेरी वजह से वहां पे वो 20 लोग जो है वो कैरी करेंगे, सो दैट इज दैट रिस्क रिडक्शन और रिस्क मैनेजमेंट कंपोनेंट है दैट नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो कुछ आप यहाँ पे फैसिलिटेटिव एनवायरमेंट में लर्न करते हैं दैट कम्स टू योर साइड, क्या आपने उसको जाके कैसे प्रैक्टिस में, दैट इज व्हाई वी आर अनएबल टू गेट वेरी गुड एक्सपर्ट्स। हैं हमारे, हैं, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं है, वी हैव वेरी गुड एक्सपर्ट्स, गुड ब्रेन्स, बट दोज ब्रेन्स आर नीडेड टू बी यूज्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अच्छा दिमाग जो है होना काफी नहीं है, उसका इस्तेमाल होना और उसका इफेक्टिव इस्तेमाल होना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा अच्छा बात की, मैंने इसीलिए कहा कि यार बताओ ह्यूमैनिटेरियन अकाउंटेबिलिटी व्हेन यू गेट टू द फील्ड आपके ऊपर सर्टेन चीजें आप पे आ जाती हैं, ठीक है। जो कोर ह्यूमैनिटेरियन स्टैंडर्ड्स है, ह्यूमैनिटेरियन अकाउंटेबिलिटी पार्टनरशिप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आप लोगों ने स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ कैरिटास पाकिस्तान का देखा हो तो उसमें ना हम पूरा डालते हैं कि जो हमने अपनी प्रायोरिटी सेट की हैं कैरिटास पाकिस्तान ने, 5 की हैं, 6 की हैं, उसको फिर आगे हम SDGs के साथ देखते हैं किस किस को जैसे वो आप लोगों ने किया कैसे मीट करते हैं, फिर कैरिटास इंटरनेशनल इसके साथ कैसे करते हैं, फिर संडाई फ्रेमवर्क के साथ कैसे करते हैं, और फिर जो बाकी जो दुनिया में इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं उनके साथ हम कैसे मीट कर रहे हैं, सो दैट व्हाट वी डू दैट इज नॉट ओनली फॉर आवर डायसिजन बिशप या डायसिजन स्ट्रक्चर या नेशनल स्ट्रक्चर, दैट इज काउंटेड ग्लोबली। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट अप्रोचेस ऑफ रिस्पॉन्स, प्रिपेयर्डनेस और मिटिगेशन, इन चीजों को समझेंगे तो देन दिस होल प्रोसेस ऑफ मे बी आई गेस दैट टर्म माइट हैव बीन यूज्ड, दैट इज DRM, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, वो टर्म एक्चुअली दैट इज लिटल बिगर, जिसपे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान काम करती है, उसके 7-8 फ्रेमवर्क्स हैं, प्रायोरिटी एरियाज हैं, कि उसमें आपने प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट डिजास्टर जितने एलिमेंट्स हैं आपने उसमें, डेवलपमेंट का भी चक्कर आता है, हर चीज जो है वो SOPs आते हैं, जितने वल्नरेबिलिटी की तरफ डायनेमिक प्रेशर्स हैं जो वल्नरेबिलिटी की लेवल को क्रिएट करते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे आती हैं। सो वी दी कैरिटास पाकिस्तान, दैट इज गुड थिंग कि हमारा सोशल मोबिलाइजेशन का जो अमल है दैट इज अदर दैट वी कैन कॉल ह्यूमैनिटेरियन फील्ड वर्कर, ह्यूमैनिटेरियन मोबिलाइजर, DRR मोबिलाइजर, व्हाटएवर यू नेम आप दे सकते हैं।
तो ये कैरिटास पाकिस्तान की बेस्ट अप्रोच है सोशल मोबिलाइजेशन के लिए, वी नीड टू कैपिटलाइज इतना, उसको हमें कैपिटलाइज करना है सो दैट जो कुछ भी हम करें वो प्रॉपर इफेक्टिव गुड रिजल्ट्स होने। एक चीज तय है, जब हम अच्छा काम करते हैं, जब हम नियत के साथ अच्छा काम करते हैं, जब हम हकीकत में, वो जो शाहिद बात कर रहा था कि जिस कम्युनिटी के साथ हम काटते हैं हमें पूरे दिल के साथ उनके हक का ये सारी चीजें करते हैं, एंड मेक श्योर यू विल नेवर लेट डाउन, अपने आप को कभी आप नीचा नहीं महसूस करेंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ हैं, जितने पार्टनर्स हैं, जितने स्टेक होल्डर हैं, वो हमेशा हमारे साथ हैं, एंड वी नीड टू सी द बेस्ट अप्रोचेस भी जो कोर ह्यूमैनिटेरियन स्टैंडर्ड्स हैं, मेन स्ट्रीमिंग दी जा रहा है, इनको कैसे और कौन सी एनक लगाते हैं हमें देखना है, ये अब आप लोगों के शोल्डर पर आता है। तो इसलिए आप अपने आप को सिर्फ बेटर फील करें, अपने आप को एनर्जाइज्ड फील करें, एंड यू विल सी यू विल बी गिविंग अ वेरी गुड रिजल्ट टू द ऑर्गेनाइजेशंस ऑल टुगेदर। आई एम टॉकिंग कैरिटास पाकिस्तान और कैरिटास कन्फेडरेशन में आपका रोल जो है वो बड़ा अहम जाएगा।